नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर लंबुआ दुर्गापुर रोड पर नीलम कलेक्शन पॉइंट का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव और उपाध्यक्ष राकेश राजन ने किया। इस मौके पर राकेश राजन ने कहा कि रमेश जो हमारे परम मित्र हैं, या दुकान का उद्घाटन हम लोगों ने किया और नवरात्रि के महीने में माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ कि इनकी रोजी रोटी इस दुकान से चलती रहे। और इसी के साथ राकेश राजन ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस मौके पर हरीश यादव सभासद प्रत्याशी पारस रामपुर ने कहा, लंबुआ की जनता हमें सभासद के रूप में जरूर अपना आशीर्वाद देगी और मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। राजन जी, आज दुकान पे आप उद्घाटन में आए, इस पे क्या कहने चाह रहे हैं? देखिए, हमारे परम मित्र हैं रमेश यादव, जिनका घर सुल्तानपुर है। आज वो अपनी दुकान का उद्घाटन के लिए बुलाए थे। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम अपने छोटे भाई को बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं और बहुत बधाई देते हैं। आपने ऐसी दुकान का उद्घाटन करवाया है जहाँ पर मेंस के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जीन्स से लेकर टी शर्ट शर्ट इत्यादि की व्यवस्था है और किट्स भी यहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध है। इनकी दुकान का नाम नीलम कलेक्शन पॉइंट है, जो कि लंबुआ में स्थित है, चौकिया रोड पर। आप हमारे चैनल के माध्यम से इनके दुकान के लिए क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमको जानते हैं, वो आकर इस दुकान पर अपना उचित रेट में अपना किट्स और मेंस सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, आपको मैं थोड़ा सा एक मुद्दे पर ले जाऊंगा। अभी आपने लखनऊ गए थे, नरेश उत्तम पटेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। नरेश उत्तम पटेल के जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी हाल ही में चुनाव में 2022 के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि हमारा वोट प्रतिशत 36% बढ़ गया है, जिससे बहुत अच्छा हुआ है पार्टी के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, अगर उनका विरोध जायज़ नहीं है, क्योंकि उनको पार्टी के बारे में पता ही नहीं है कुछ। वो पार्टी के विषय में जानते नहीं हैं, पार्टी के कानून के बारे में नहीं जानते हैं। वो अच्छी टिप्पणी करते रहते हैं हमेशा, जो कि ये गलत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, उनके व्यवहार से उनके कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं और हमारा वोट प्रतिशत 36% बढ़ा है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष को दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। हरीश जी, आप इस दुकान पे आज नया नया उद्घाटन हो रहा है, आप इस पे आए हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम लोगों को संदेश देना ये चाहते हैं कि जो हमारे रमेश भाई ने दुकान खोला है, ये आम जनता के लिए एक अच्छा संदेश है। लोग इस पे आएंगे, सस्ते रेट में अच्छा सामान मिलेगा, इससे लोगों का ग्राहकों का भी फायदा होगा, इनका भी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।